हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में पत्रकार पोपटलाल और हाथी भाई एक बार फिर से देश की सेवा के लिए आगे आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर अपकमिंग स्टोरी का प्रोमो लॉन्च हो चुका है। इस समय पर तारक मेहता शो के अंदर जो रिसेंटली स्टोरी कंप्लीट हुई है वो कोरोना काल में जो स्टूडेंट हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इन सभी के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन गाइस, अब जो आने वाली स्टोरी है वो भी कोरोना के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर इस बार ये स्टोरी घूमने वाली है पत्रकार पोपटलाल और हाथी भाई के आसपास में। गाइस, आने वाली स्टोरी में यहाँ पर पोपटलाल के पास एक आदमी आके खबर देता है कि कुछ लोग दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीज़ों की कालाबाजारी कर रहे हैं। जिसके बाद के पोपटलाल डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी गैंग का पर्दाफाश करेंगे जो कि इन सब चीज़ों में घपला कर रहे हैं। और दवाइयाँ, मास्क और सैनिटाइजर की अच्छी खासी जानकारी है हाथी भाई को, इसीलिए पत्रकार पोपटलाल हाथी भाई से अकेले में बातचीत करते हैं कि हम इस वाली गैंग का पर्दाफाश करने वाले हैं, यानी कि इस गैंग का हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। इन सभी लोगों का चुपके से वीडियो बनाकर इस गैंग का असली चेहरा सभी के सामने लेके आएंगे। हालांकि यहाँ पर हाथी भाई इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन गाइस मेक श्योर यहाँ पर पत्रकार पोपटलाल हाथी भाई को इसके लिए राजी कर ही लेंगे।